हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। एक्सक्यूज मतलब जब किसी से बात करते हैं बीच में ना बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी। जब दो व्यक्ति कोई बात कर रहे हैं, किसी ध्यानपूर्वक बात कर रहे हैं, हम बीच में जाके हमें कोई इमरजेंसी काम है, हम क्या बोलते हैं उनको बीच में? एक्सक्यूज़ मी। जैसे हम टीचर्स के पास आते हैं, टीचर्स कोई काम करें तो बीच में बोलते हैं हम एक्सक्यूज़ मी सर। उसका मतलब मुझे कृपया मुझे माफ करें, एक्सक्यूज़ मी सर। ये स्टार्ट होता है लेसन अपना, व्हाट डू यू से टू ड्रा समवनस अटेंशन, यानी आप किसी का ध्यान दिलाने के लिए क्या कहोगे? क्या कहोगे? एक्सक्यूज मी, लेट्स नो सम मोर वर्ड्स बाय रीडिंग द स्टोरी ऑफ अ बॉय एंड हिज एनिमल एंड बर्ड्स। तो आओ जाने इस स्टोरी को पढ़ करके जिसमें क्या एक बॉय है, एनिमल्स है और बर्ड्स फ्रेंड्स हैं। अर्जुन इज अ विलेज बॉय। विलेज बॉय मतलब गांव में रहने वाला लड़का। अर्जुन एक गांव में रहने वाला लड़का है। ही हैज सम हैंड्स एंड चिक्स। उसके पास क्या है? कुछ हैंड्स और चिक्स होते हैं, चूजे। ही हैज ए मंकी एंड ए गोट टू। उसके पास एक मंकी और एक गोट भी है। ही लव्स टू प्ले विद देम। वह उनके साथ खेलना जो है बड़ा पसंद करता है, प्यार करता है। बट कई बार, परंतु सम टाइम, कई बार ही इज केयरलेस। वो कई बार क्या होता है? लापरवाह हो जाता है। His birds and animals get into the houses of the other people. तो क्या उसके जो birds हैं, animal हैं, वो कई बार क्या है कि जब लड़का लापरवाह हो जाता है तो वो किसी घर में चले जाते हैं, दूसरों घरों में चले जाते हैं। Then those people get angry with him. तब लोग जो है उसे गुस्सा होते हैं। आगे है Woman, excuse me please. Arjun, yes madam. Woman, are these your hands? के ये hands आपकी हैं? Yes they are. हाँ। Woman, वुमन क्या कहती है? बट ओ बॉय, ओ लड़के, दिस इज माई किचन, ये मेरी किचन है। योर हैंड्स आर मेकिंग इट डर्टी, आपकी हैंड्स इसको गंदा कर रही हैं। टेक अवे, टेक अवे दूर ले जाना, टेक अवे दे प्लीज, कृपया इन्हें दूर ले जाइए। गार्डनर, एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी। अर्जुन, यस सर। गार्डनर क्या कहता है? इज दैट योर गोट, ये गोट क्या आपकी है? अर्जुन कहता है यस दैट इज माई गोट, हाँ ये गोट मेरी है। गार्डनर कहता है लुक हियर, देखो, लुक एट दीज दोज लवली फ्लावर्स, इन प्यारे प्यारे फूलों को देखो। योर गॉड इज स्पॉइलिंग देम, आपकी गॉड जो इन्हें गंदा कर रही है। टेक इट अवे प्लीज, कृपया इन्हें दूर ले जाइए। फ्रूट सेलर, एक्सक्यूज मी प्लीज, यानी जो लड़का है वो लापरवाह है, तो उसके जितने भी बर्ड्स एनिमल हैं वो हर जगह जो उसको उलामा दिलाते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, अर्जुन कहता है यस। फ्रूट सेलर, इज दैट योर मंकी, ये क्या मंकी आपका है? अर्जुन कहता है यस दैट इज माई मंकी, हाँ ये मेरा मंकी है। फ्रूट सेलर, बट यूर नोटी लुक देयर, नोटी होता है शरारती, है शरारती, आप देखो, योर मंकी इज ईटिंग माई बनानाज, आपका मंकी मेरे बनानाज खा रहा है। टेक इट अवे प्लीज, कृपया इसे दूर ले जाइए यहाँ से। आगे देखो ओल्ड मैन क्या कहता है? एक्सक्यूज मी प्लीज। अर्जुन, यस सर। ओल्ड मैन, आर दीज योर चिक्स, ये क्या चिक्स आपकी हैं? अर्जुन कहता है यस दे आर माई चिक्स, हाँ ये चूजे मेरे हैं। ओल्ड मैन, बट यू सी, देखते हो, दिस इज माई हेड, ये मेरा जो हेड है, सिर है। योर चिक्स आर पैकिंग एट इट, जो आपकी जो चिक्स हैं, पैकिंग होते हैं चोंच मारना, जो आपकी पिक्स है वो, जो चिक्स हैं, जो चूजे हैं, वो मेरे सर में चोंच मार रही हैं। टेक देम अवे प्लीज, कृपया उन्हें दूर ले जाइए। इसके वर्ड भी देखते हैं आगे। अटेंशन मीन्स ध्यान देना, चिक्स मीन्स चूजा, केयरलेस मीन्स लापरवाह, डर्टी मीन्स गंदा, स्पॉलिंग मीन्स गंदा करना, अवे मीन्स दूर, नोटी मीन्स शरारती, पैकिंग मीन्स जो है चोंच मारना। हम इसके जो है टिक द फर्क देखते हैं। अर्जुन इज ए डैश बॉय, अर्जुन इज ए विलेज बॉय, सी ऑप्शन इज राइट। द हैंड्स आर मेकिंग डैश ऑफ द वुमेन्स डर्टी, तो हैंड्स क्या कर रही है? किचन को डर्टी कर रही है, किचन, इसका आंसर क्या आएगा? किचन। द गॉड इज स्पॉइलिंग द लवली फ्लावर्स, अर्जुन्स डैश आर पैकिंग एट द ओल्ड मैन्स हेड, क्या करते हैं वो? चेक से। उसके बाद में आगे हु सेड द फ्लोइंग सेंटेंस, ये सेंटेंस किसने कहे थे? आर दीज योर हैंड्स, ये किसने कहे थे? वुमेन ने कहे थे। इज दैट योर गॉड, ये किसने कही थी? गार्डनर ने कही थी, क्योंकि उसके फूल खराब कर दिए थे उसने। दैट इज योर मंकी, ये किसने कहा था? फ्रूट सेलर ने कहा था। आर दीज योर चेक्स, ये किसने कही थी? ओल्ड मैन ने कही थी। इसके क्वेश्चन से देखते हैं हम आगे। Why do people get angry with Arjun? लोग अर्जुन से नाराज क्यों होंगे? Because sometime, कई बार, he is careless, वो लापरवाह है, उसके
उसके बाद कहता है कि दिस बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये जो बर्ड्स और एनिमल हैं गेट इन टू द हाउस ऑफ अदर पीपल, ये दूसरों के घरों में चले जाते हैं। वाट इज द गोट डूइंग, गोट क्या करिए, द गोट इज स्पॉइलिंग द लवली फ्लावर, जो गोट है बकरी है वो जो है लवली फ्लावर को गंदा कर रही है। वाट इज द मंकी ईटिंग, मंकी क्या खा रहा है, द मंकी इज ईटिंग द बनाना, मंकी है बनाना खा रहा है। वाट डज द ओल्ड मैन कंप्लेन अबाउट, किस चीज़ कंप्लेन करता है, ओल्ड मैन, चिक्स ऑफ अर्जुन वर हिटिंग हेड ऑफ द ओल्ड मैन, जो चिक्स हैं अर्जुन के वो क्या करते हैं इसके जो है सर में चोंच मारते हैं ओल्ड मैन की। द ओल्ड मैन कंप्लेन दैट चिक्स वर हिटिंग एट इज हेड विद देयर बेड्स, जो उसके जानवर जो हैं उसको क्या करते हैं सर में बार बार चोंच मारते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेसन, और बाकी नेक्स्ट लेसन पर हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।